दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाले नए बजट सेगमेंट या लोअर मिड रेंज सेगमेंट के नए चिपसेट के बारे में। क्वालकॉम की तरफ से 6 सीरीज का एक नया चिपसेट लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो 6 सीरीज में चिपसेट लॉन्च हुआ था वो 690 था, जो कि बताया जा रहा था कि 675 का अपग्रेड है, लेकिन एक्चुअल में वो 675 का अपग्रेड नहीं था भाई, वो स्टैंड अलोन एक अलग सा प्रोसेसर था जहां पर आपको 5G का सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का ट्रू सक्सेसर लॉन्च किया गया है। नाम है इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी प्रोसेसर से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या क्या नए फीचर्स यहां पर मिलते हैं, 675 से कितना बेटर है, किस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है और कब तक ये प्रोसेसर आपको किसी फोन के अंदर देखने को मिलेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं मात्र 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं कि चिपसेट कितने नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। ये वाला जो चिपसेट है 675 की तरह ही 11 नैनोमीटर पर बनाया गया है। फैब्रिकेशन प्रोसेस में आपको कोई अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब बहुत सारे लोगों को पता है भाई, मेरे व्यूअर्स को पता है जिनने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, फैब्रिकेशन प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि प्रोसेसर जब बनाया जाता है उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं उनका साइज क्या रखा जाता है, और ट्रांजिस्टर का साइज जितना कम रखा जाएगा प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, हीट भी उतना ही कम होता है, पावर कंजम्पशन उसको कम लगता है, एनर्जी एफिशिएंसी आपको बेटर मिलती है। यहां पर ये वाला जो चिपसेट है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत एनर्जी कंजप्शन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आज जो प्रोसेसर्स लॉन्च हो रहे हैं 7 नैनोमीटर 8 नैनोमीटर वाले, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन आपका ज्यादा रहने वाला है इस चिपसेट के साथ में। लेकिन 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है, कोई यहां पर आपको अपग्रेड नहीं दिया गया है। सीपीयू की बात करते हैं, 64 बिट का ऑक्टाकोर चिपसेट है, मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आपको 8 कोर मिलते हैं, जो कि आपको 675 में भी मिलते थे। यहां पर भी आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच मिलती है। यहां पर जो सीपीयू का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 2 कोर आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 460 गोल्ड सीपीयू, जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज पर। जो 675 था वहां पर आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती थी, यहां पर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड दी गई है। A76 वाले 2 कोर्स मिलते हैं, 6 कोर मिलते हैं आपको क्रायो 460 सिल्वर, जो कि बेस्ड होते हैं आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। यहां पर क्लॉक स्पीड आपको सेम मिलती है 1.7 गीगाहर्ट्ज की। सीपीयू यहां पर आपको ठीक ठाक मिलता है, बहुत ज्यादा पावरफुल सीपीयू यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन डे टू डे के काम अच्छे से आपके निकाल देगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं जीपीयू के बारे में बात करते हैं। भाई जीपीयू में यहां पर आपको कोई अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है, सेम जीपीयू दिया गया है जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 के साथ में मिलता है। क्वालकॉम एड्रेनो 612 जीपीयू यहां पर दिया गया है, 11 नैनोमीटर पर बना हुआ जीपीयू है, गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी दे देता है, पबजी वगैरह आप खेल सकते हो और अच्छे से खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल देता है, गेमिंग में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन जीपीयू के मामले में भी प्रोसेसर में 678 में आपको कोई अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है, सेम जीपीयू दिया गया है जो 675 के साथ में मिलता है। आगे चले बात करें रैम सपोर्ट के बारे में, तो यहां पर भी आपको कोई अपग्रेड नहीं दिया गया है। इस चिपसेट के साथ में भी आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, 1866 मेगाहर्ट्ज की यहां पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है, 8GB तक की आपको रैम देखने को मिल सकती है, और 8GB सफिशियंट होती है भाई रैम, मेरे हिसाब से तो 6GB में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी 8GB तक का रैम सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है, अच्छा रैम सपोर्ट दिया गया है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है, और EMMC 5.1 वाली जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी स्लो होती है, अगर UFS 2.1 वाले आपके फोन के अंदर लगाई जाती है तो रीड राइट की स्पीड आपको बेटर मिलती है। तो फोन वगैरह आप खरीदने जाते हैं 678 प्रोसेसर उसके साथ में लगा हुआ है अगर, तो वहां पर इस चीज पर ध्यान दे लें कि स्टोरेज टाइप वहां पर कौन सा दिया गया है, अगर UFS 2.1 वाला दिया जाता है तो परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर आपको निकल के आएगी। आगे चलेंगे बात करेंगे कैमरा सपोर्ट के बारे में, डुअल कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिल सकता है 16+16 मेगापिक्सल का, 16+16 मेगापिक्सल का जो डुअल कैमरा सेटअप है वहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है, 30fps का आपको फ्रेम रेट मिल जाता है। सिंगल कैमरा की बात करते हैं, 25 मेगापिक्सल तक का अगर सिंगल कैमरा यूज किया जाता है तो MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है, 30fps का फ्रेम रेट मिलता है,
अगर 25 से ऊपर का कैमरा यूज किया जाता है 48 मेगापिक्सल तक का, तो वहां पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पर आपको केवल MFNR का सपोर्ट मिलता है और 30 FPS का फ्रेम रेट वहां पर भी मिलता है। और MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट अगर हटा दिया जाए तो मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर आपको मिलता है 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट यहां पर आपको काफी अच्छा मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन और ZSL का फुल फॉर्म होता है जीरो शटर लैग। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर कैमरा सपोर्ट में मिल जाते हैं। कैमरा सपोर्ट से आगे चलते हैं, वीडियो कैप्चर की बात करते हैं। अप टू 4K वीडियो आप इस प्रोसेसर के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K अल्ट्रा HD वीडियो 2160 पिक्सल्स वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 30 FPS पर। 1080 पिक्सल्स वाले अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फुल HD प्लस वाले, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर। और 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो 240 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उनको आप हल्का फुल्का स्लो मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो कैप्चर कैपेबिलिटीज भी आपको मिलती है, अच्छी मिलती है, लेकिन 675 से कोई अपग्रेड यहां पर नहीं दिया गया है। 675 में भी सेम कैमरा सपोर्ट आपको मिलता है, सेम वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन मिलता है। कैमरा सपोर्ट की हमने बात कर ली, लेकिन ISP की बात नहीं करी थी भाई। ISP में भी यहां पर आपको कोई अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है। जो ISP आपको मिलता था 675 के साथ में स्पेक्ट्रा 250L वाला, सेम ISP यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के मामले में भी कोई अपग्रेड यहां पर नहीं दिया गया है। DSP की अगर बात करते हैं तो सेम हेक्सागोन 685 DSP यहां पर भी आपको मिलता है, 675 के अंदर भी मिलता है। तो DSP के मामले में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के मामले में भी कोई अपग्रेड यहां पर नहीं दिया गया है। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं तो केवल एक अपग्रेड हमको देखने के लिए मिला है, जो कि CPU की क्लॉक स्पीड में देखने को मिला है। जहां पर 675 में 2.0 मिलती है, यहां पर 2.2 दी गई है। उसके अलावा 675 और 678 में अभी तक हमको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन तक की हमने बात कर ली, आगे चल के बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। तो मैक्सिमम ऑन डिवाइस डिस्प्ले आपको मिल सकता है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला, यहां पर आपको 25x20x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिलता है। रिफ्रेश रेट के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है कि भाई यहां पर आपको हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन डिस्प्ले सपोर्ट भी एग्जैक्टली सेम मिलता है जो आपको 675 में दिया गया है। तो मेजर अपग्रेड्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं मॉडेम के बारे में। सेम मॉडेम यहां पर यूज किया गया है जो 675 में यूज किया गया था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X12 LTE मॉडेम दिया गया है। 4G मॉडेम है, 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। डाउनलिंक के लिए Cat12 मॉडेम दिया गया है, डाउनलोड की स्पीड मिलती है 600 Mbps की। अपलिंक के लिए Cat13 मॉडेम दिया गया है, अपलोड स्पीड मिलती है 150 Mbps की। ठीक ठाक मॉडेम यहाँ पर आपको मिल जाता है, डाउनलोड अपलोड स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन प्रोसेसर के काफी अच्छे हैं, लेकिन 675 से अपग्रेड बहुत कम किया गया है। तो भाई ये थे मेजर स्पेसिफिकेशंस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 चिपसेट के बारे में। ज्यादा कोई अपग्रेड्स यहां पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, एग्जैक्टली 675 जैसे लग रहा है। केवल जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं, जो CPU है, CPU के परफॉर्मेंस कोर्स जो है, वहां पर आपको 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है A75 में आपको 2.0 GHz की मिलती थी। बाकी सारी चीजें आपको दोनों प्रोसेसर में सेम मिलती है, इवन एफिशिएंसी कोर्स सेम मिलते हैं, GPU सेम मिलता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस सेम है, कैमरा सपोर्ट, वीडियो कैप्चर, डिस्प्ले सपोर्ट, मॉडेम, सारी चीजें आपको सेम मिलती है। कोई भी अपग्रेड यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आई डोंट नो कि ये प्रोसेसर क्यों लॉन्च किया गया है, लेकिन कंपनीज ऐसा करती हैं, सीपीयू को ओवरक्लॉक करके एक नए नाम का चिपसेट निकाल दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा नयापन आ जाता है भाई फोन में। अगर आज की तारीख में कोई फोन लॉन्च होता है और वो बोलते हैं कि भाई हमने 675 चिपसेट दिया है, तो हम बोलेंगे भाई 2018 का चिपसेट दिया गया है, बहुत अच्छा चिपसेट नहीं है, इस पे अपने को नहीं लेना है फोन। लेकिन अगर कंपनीज बोलेंगी कि 678 चिपसेट दिया गया है, तो 678 चिपसेट मतलब ये हो गया कि 2020 में लॉन्च किया गया चिपसेट है, लेटेस्ट चिपसेट है। भले ही उसमें अपग्रेड आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि नया चिपसेट यहां पर दिया गया है। तो केवल इस कारण से क्वालकॉम की तरफ से ये चिपसेट लॉन्च किया गया है। 720G, 730G, 732G आप समझते हो भाई, उनमें भी आपको इतना ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है जितना यहां पर 675 और 678 में मिला है। फोन्स की बात करते हैं, किस फोन में देखने के लिए मिलेगा, तो कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि किस फोन में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी बजट सेगमेंट्स के फोन में आपको ये प्रोसेसर मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी भाई, प्रोसेसर खराब नहीं है, मैं प्रोसेसर को खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अपग्रेड्स ज्यादा नहीं दिए गए हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अगर किसी फोन में ये चिपसेट लगा हुआ मिलता है आपको, तो परफॉर्मेंस वहां पर आपको काफी अच्छी मिलेगी। इवन 675 वाले जो चिपसेट है उनसे भी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है। तो यहां पर तो थोड़ा सा अपग्रेड तो दिया गया है, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बहुत जल्दी ये चिपसेट आपको फोन्स के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। कमेंट करके मेरे को अपनी राय बताओ भाई कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है
किस बजट के फोन्स में आपको ये प्रोसेसर मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई Realme Xiaomi अगर इस प्रोसेसर को यूज करेंगे तो वो 10-12 हजार वाले फोन में हमको दे देंगे, और अगर Vivo Oppo यूज करते हैं तो भाई वो 15,000-20,000 इवन 25,000 वाले फोन में भी ये प्रोसेसर चिपका के हमको दे सकते हैं। Vivo Oppo का भरोसा नहीं है, लेकिन Xiaomi Realme हमको 10-15 हजार वाले सेगमेंट में ये चिपसेट दे सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।